आप देख रहे हैं अपना समाचार। मैं कहानी के हिसाब से लुक लेने की कोशिश करता हूँ, कहानी सुनता हूँ, कहानी सुनने के बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबको बुलाता हूँ, स्पेशली डायरेक्टर को, क्योंकि प्रोड्यूसर का काम नहीं होता, प्रोड्यूसर का काम होता है पैसा देना, प्रोड्यूसर का काम होता है फिल्म फाइनल करना, मेन काम तो होता है डायरेक्टर का। तो फिर डायरेक्टर के साथ बैठ करके डिस्कशन करता हूँ कि कुछ अलग किया जाए, इसको किस तरीके से किया जाए, क्या लुक लिया जाए, इसका हाव भाव कैसा होगा, इसमें चलने की हीरो के चलने का स्टाइल क्या होगा, तो इस तरीके से थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। इस लुक की बात करें तो ये किस फिल्म का है और क्या इसमें नया कुछ आप परोसा है? ये फिल्म का नाम है दत्तक पुत्र, इसे विनोद गुप्ता जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके निर्माता विनोद गुप्ता जी हैं, डायरेक्टर हैं प्रमोद शास्त्री जी, तो अच्छे निर्देशक हैं प्रमोद शास्त्री जी, और फिल्म पे खूब पैसा भी खर्चा हो रहा है, पैसा खर्चा कर रहे हैं विनोद गुप्ता जी, किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं, और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे हम लोग एक अच्छा अंजाम दे रहे हैं। जब नाम आता है यश कुमार मिश्रा जी का और सिनेमा की बात होती है तो लोगों को लग जाता है कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अनोखा देखने को मिलेगा, भोजपुरी सिनेमा में अलग कुछ हो रहा है, ऐसे में दत्तक पुत्र को लेकर क्या जो उम्मीद है ऑडियंस की? दत्तक पुत्र देखिए, यश कुमार की हमेशा से कोशिश तो यही रही है कि वो अलग फिल्में करे, अलग कहानियाँ कहे। बहुत ज़्यादा अलग फिल्में मैं अपने बैनर से ही बना पाता हूँ क्योंकि कहानियाँ मैं खुद लिखता हूँ, और कभी कभी मैं कहानियाँ जो समझ में आती हैं कि चलो ये कहानी अच्छी, और अच्छा निर्माता मिल जाता है तो अपनी कहानी अपना टाइटल में दे भी देता हूँ, जैसे मैंने अर्धनारी रामा प्रसाद को दे दी थी, और अभी मृत्युदंड दी रामा प्रसाद को, और शूल फिल्म जो है उसकी कहानी मैंने लिखी है, वो मैंने प्रेम जी को और अरविंद जी को दे दिया। तो कहानी और किरदार, ये दो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि जो निर्देशक आएँ मेरे पास वो कुछ यूनिक सी कहानी लेकर के आएँ, कुछ अलग लेकर के आएँ, पर ज़्यादातर ये संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैं बहुत सारी फिल्में, मेरे ख्याल से पिछले एक सालों में तकरीबन 25 से 30 फिल्मों को मैंने मना किया है कि नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कहानियां नहीं जमी। रही बात दत्तक पुत्र की, तो दत्तक पुत्र की कहानी मुझे वाकई अच्छी लगी, एक आश्रम है, धर्मशाला है अयोध्या में, जिसके कर्ता धर्ता विनोद मिश्रा जी हैं, उन्होंने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया हुआ है, जैसा कि दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ बेटा, और वो गोद लिया हुआ बेटा, बड़ा दिलचस्प कहानी है, कहानी तो नहीं खोलूँगा, विनोद गुप्ता जी ने मना किया है कि कहानी पे प्रकाश मत डालिएगा, इतना कहूँगा कि दत्तक पुत्र के रूप में एक बहुत प्यारी सी फिल्म लोगों को मिलने वाली है। डायरेक्टर साहब की बात की जाए, प्रोड्यूसर साहब की बात की जाए, बड़े सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, मैंने प्रमोद शास्त्री जी का नाम काफ़ी दिन पहले से सुना था कि यार मेरे मित्र लेखक हैं एस के चौहान जी, वो हमेशा बोलते थे कि यश भाई आप प्रमोद शास्त्री जी के साथ काम करिए, उनके काम करने का तरीका अच्छा है, तो मैंने कहा डेफिनेटली काम करेंगे, और हमने पहले भी कोशिश की लेकिन शायद संजोग नहीं बन पाता था, हम नहीं कर पाते थे, पर संजोग बना तो हमने फिल्म की, और प्रमोद शास्त्री जी के बारे में इतना कहूँगा कि स्क्रिप्ट पे मेहनत करके और प्री प्लानिंग करके आते हैं, तो वो प्री प्लानिंग करने से निर्माता का पैसा बचता है, टाइम बच जाता है, अगर मान लीजिए कि आप 20 दिन का शेड्यूल बना करके आते हैं और अगर 18 दिन में आपने फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली तो 2 दिन भी बचता है तो निर्माता का 4 लाख रुपए बच जाता है, तो एक निर्देशक के अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए और वो प्रमोद शास्त्री जी में है। विनोद गुप्ता जी जो पिछले 17 सालों से भोजपुरी में अवार्ड करवाते हैं, निष्पक्षता होती है और कहीं कहीं भोजपुरी सिनेमा को एक नया उत्साह ऊर्जा मिलता है, ऊंचा भोजपुरी सिनेमा ऊंचा उड़ने में उनका योगदान भी रहा है, अब ऐसे में फिल्म प्रोड्यूसर भी बन के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है, और एक निर्माता के रूप में एक अच्छी चीज़ क्या लगती है कि वो किसी भी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, सिनेमा बनाने में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, मुहैया कराते हैं निर्देशक को, एक निर्माता की यही पहचान होती है। एक निर्माता की और भी एक पहचान होती है कि जब आप कास्टिंग कर रहे होते हैं तो कोई समझौता नहीं करते हैं कि वो उतना लाख ले रहा है, वो उतना लाख ले रहा है, वो उतना हज़ार ले रहा है, चलो उससे कम में ये एक्टर आ जाता है, उससे कम में ये एक्टर आ जाते हैं तो उनको ले लेते हैं, ऐसी कुछ उनके अंदर सोच नहीं है, और एक हर निर्माता के अंदर ये सोच होनी चाहिए। वैसे फिल्में तो वाकई हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी अच्छी बन रही हैं।